इस लेक्चर में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे एक थोड़ा मॉडिफाइड प्रॉब्लम कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लाइट आ रही है, मेटल पे स्ट्राइक कर रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एच म्यू माइनस फाइव जीरो। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका वर्क फंक्शन है और ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है। फोटोन का एनर्जी है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सपोज मैं ये जो मेटल है इसके प्लेन, मेटल का जो प्लेन है वो ये है, इसके परपेंडिकुलर मैं एक इमेजिनरी प्लेन मानता हूँ और मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस इमेजिनरी प्लेन में ही इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इस इमेजिनरी प्लेन में इजेक्ट हो रहे हैं, और ये भी मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट ऐसे ऊपर निकल रहा है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, मैं ऐसे प्रिज्यूम कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पाथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, और V और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो Q V इंटू बी हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में जाता, नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो Q V B होता है, तो R की वैल्यू होती है एम वी अपॉन बी क्यू। आपको ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। R को हम लिख सकते हैं मोमेंटम अपॉन बी क्यू, इस फॉर्म में भी याद रखिए। अब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे हो गया, सो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस एम के। P की वैल्यू है ट्वाइस एम के का अंडर रूट, हम ऐसे भी लिखते हैं। ये भी आप फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार डिराइव मत कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें रख दीजिए रेडियस में P की वैल्यू जो है ट्वाइस एम के अपॉन बी क्यू है। K का वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है एच म्यू माइनस फाइव जीरो, तो ये आएगा ट्वाइस एम एच म्यू माइनस फाइव जीरो अपॉन बी क्यू, ऊपर इसका अंडर रूट, ये आपका आ गया रेडियस का वैल्यू। कुछ फॉर्मूले आपके एकदम टिप्स पे रहने चाहिए, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, सो दैट इमीडिएटली आप इसको एग्जाम में कर पाए।